एक बार क्या हुआ, ऋषि मुनि सब देवताओं की बैठक हुई, चर्चा होने लगी बड़े कौन हैं। कोई कहे ब्रह्मा जी बड़े हैं, कोई कहे नहीं विष्णु बड़े हैं, कोई कहे नहीं शिव बड़े हैं। आखिर उन्होंने क्या भृगु जी को कहा कि आप जाओ और इन तीनों मूर्तियों की परीक्षा करो। भृगु जी कहते हैं तीनों मूर्तियों की परीक्षा करना बड़ा कठिन काम है। ये अपने पिता ब्रह्मा के पास आए, ब्रह्मा जी आओ बेटा भृगु। यहाँ पर उन्हें मन से अपना चुप करके खड़े रहे, कुछ नहीं बोले। ब्रह्मा जी को क्रोध आ, ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे पिता में तो रजोगुण की प्रधानता है, ये बड़े नहीं के पास है, शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान कहते हैं आओ भैया भृगु, कहते हैं आपका कैलाश में स्वागत है, पधारिए। तो यहाँ पर भृगु जी कहते हैं आप मेरे पास मत आओ, दूर रहो, वाणी से अपराध किया। आपके शरीर में ये शमशान की भस्मी नाग आपने लपेटे हैं, भूत प्रेत आपके संगी हैं, मेरे पास मत आओ। ब्रह्मा अपना शंकर भगवान क्रुद्ध हो गए, अच्छा उठाया त्रिशूल लगे मार। भृगु जी आगे आगे, शंकर भगवान पीछे पीछे, चिल्लाए बचाओ माता पार्वती, वही सती वही पार्वती भवानी दुर्गा माता आ गई। एकदम महादेव क्या कर रहे हैं, कहते इसको भूत प्रेत दिखा रहा हूँ, आज तक तो बड़ा सम्मान करता था, अब इसको भूत प्रेत दिख रहे हैं मेरे में, ब्रह्म हत्या करोगे। यहाँ तमोगुण की प्रधानता से, तमोगुण से विनाश, अगर माता नहीं बचाती भृगु जी का अंत कर देते। शंकर बोले इनमें तो तमोगुण प्रधान है, ये भी बड़े नहीं है। अभी आ गए वैकुंठ में, विष्णु भगवान के पास। वैकुंठ में जब आए तो द्वारपालों ने उनको रोका नहीं, उन्होंने रोका था, एक बार तो बिचारों का पतन हो गया था, चले गए। ये तो भगवान शेषनाग की शैया में शाइन कर रहे हैं, देवी लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही हैं। मन से पहले अपराध किया, फिर वाणी से, अभी शरीर से जाके जट जोर से भगवान की छाती पर लात। जब छाती पर लात मारी तो क्या प्रतिक्रिया क्या हुई, विष्णु भगवान धीरे धीरे उठे, हाथ बांध कर खड़े हो गए। ब्राह्मण देवता आप मेरे वैकुंठ में आए, मैं स्वागत करने के लिए द्वार तक नहीं आ सका, और मेरी छाती वज्र के समान कठोर है, आप यहाँ बैठो, मैं आपका चरण थोड़ा दबा देता। बुरा क्या मानना, उल्टा जो है भृगु जी के लिए ऐसा कह रहे हैं। तब ये दोहा, क्षमा बड़न को चाहिए छूटन को उत्पात, क्या विष्णु को घटी गयो जो भृगु मारी ना। तो देखो भगवान विष्णु तमोगुण रजगुण शुद्ध सतोगुण, सतोगुण से भगवान पालन कर। तो फिर इन्होंने निर्णय दिया था सबसे बड़े भगवान विष्णु है,